आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम बैटल ऑफ सूरत पे आ गए हैं। बेसिकली ये बैटल नहीं थी, महाराज शिवाजी ने सूरत को सैक किया था, इसको प्लंडर किया था। अब भैया देखिए, महाराज शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी, वो भारत के लिए कैंपेन चला रहे थे, हिंदवी स्वराज। मुगल उनके दुश्मन, आदिल शाह उसका दुश्मन, आदिल शाही जो डायनेस्टी थी, और ब्रिटिश उसका दुश्मन। तो आप एक बात बताइए, कैसे चलेगा काम? अब कोई भी मूवमेंट चलाने के लिए आपको फंडिंग चाहिए, आपको पैसा चाहिए। तो महाराज शिवाजी ने सूरत को प्लंडर किया। अब दोस्तों, बहुत लोग जो, अगर आप मुगल राइटिंग्स को देखेंगे, मतलब जो इस्लामिक राइटिंग्स को देखेंगे, तो इस इवेंट को उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। महाराज शिवाजी को एकदम विलन की तरह पोर्ट्रे किया है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि महाराज शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन इतना बेहतरीन था, इतना बढ़िया था, कि कभी भी वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। उन्होंने इससे पहले कंडीशंस रखी थी जो इनके गवर्नर जनरल्स थे, ठीक है, लेकिन जब मानी नहीं मुगल के जो मर्चेंट्स थे वहां पे, जो गुजरात में मर्चेंट्स थे, तब उनको ये कदम उठाना पड़ा। और जितने भी फॉरेन मिशनरीज थे या जो भी निहत्ते लोग थे, उन पे महाराज शिवाजी की आर्मी या महाराज शिवाजी ने वार नहीं किया था, ठीक है। तो ये चीज थी, अगर ये ना करते ना तो और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। हालांकि हम बैकग्राउंड पूरा देखेंगे कि कंडीशन कितनी बुरी कर दी थी महाराज शिवाजी के लिए। वो तो सिर्फ एक चीज चाहते थे कि एक ऐसा देश बने जिसमें हर कोई प्रेम से मिलके रहे, कोई भी भेदभाव ना हो, ऐसा था उनका हिंदू स्वराज। तो देखेंगे हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। sid_eConnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। यहां पे आपको लेक्चर की PDF, अपडेट्स, और आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हर एग्जाम्स हमने कवर किए हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, और अपनी ड्रीम जॉब निकालिए। तो जरा मैप देख लीजिए आप, कितना बेहतरीन मैप है, मराठा एम्पायर आप देखिए। अब दोस्तों क्या है ना यहां पे, कि जब तक महाराज शिवाजी की एंट्री नहीं होती है, तब तक मराठाओं को बहुत लो समझा जाता था। मराठा भी हिंदू ही थे, बहुत लो समझा जाता था उनको, हिंदू हैं, ठीक है, तो बहुत लो समझा जाता था। उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता था, उनको जागीर्स दे दी जाती थी, कुछ एक थोड़े बड़े होते थे, लेकिन जो बाकी थे ना, उनको काफी लो समझा जाता था। और सब कुछ अच्छे से चल रहा था जब तक महाराज शिवाजी ने एंट्री नहीं ली थी। उन्होंने जब एंट्री ली तो सब कुछ तितर बितर कर दिया। इसी से बौखला गया था मुगल, और मुगल का जो एम्परर था शाहजहां, और आदिल शाही डायनेस्टी और ब्रिटिश, इन सारे अटैक से बौखला गए थे। और तीनों ने कोशिश की कि एक साथ क्रश कर दे, लेकिन ऐसा कर ही नहीं पाए, ठीक है। तो ये चीज है। अब इससे पहले हमने कवर की थी बैटल ऑफ प्रतापगढ़, हमने बैटल ऑफ प्रतापगढ़ देखी थी। उसके बाद फिर अभी हमने थोड़ी, मतलब परसों जो लेक्चर आया था मेरा, पवनखिंड, बैटल ऑफ पवनखिंड हमने देखी थी, कि किस तरह से शिवाजी को, मतलब वहां से एस्केप करना होता है। दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है, चलिए मैं एक और बार बैकग्राउंड आपको समझा देता हूं। 1627 या 30 में जब शिवाजी का जन्म होता है, महाराज शिवाजी का जन्म होता है, तो उस समय मुगल डायनेस्टी होती है, मुगल एम्परर्स होते हैं, शाहजहां होता है, ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है कि दो समय डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो रूल कर रही होती है इस पूरे एरिया में। नॉर्थ में तो पूरा मुगल होते हैं, और अगर साउथ के नीचे आए, साउथ में आए, तो आदिल शाही डायनेस्टी होती है। तो आदिल शाही के ही कोर्ट में शिवाजी के पिताजी शाहजी जनरल होते हैं वहां पे, मतलब एक अच्छी खासी पोस्ट होती है उनकी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि शिवाजी को बहुत ही जल्दी ये समझ में आ गया होता है कि इन सब से हमको लिबरेट करना है। तो एक के बाद एक के बाद एक वो किले जीतने का शुरू कर देते हैं, किला जीतना वो शुरू कर देते हैं आदिल शाही डायनेस्टी से। तो एक टाइम ऐसा आता है जब आदिल शाही को लगता है कि इसको खत्म करना जरूरी है। तो फिर क्या होता है कि जब शिवाजी को ये पता लगता है कि आदिल शाही आर्मी मेरे पीछे है, मेरे पिताजी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तो कुछ टाइम के लिए अपने अटैक्स को रोक देते हैं वो। अब उसके बाद जो रिवाइव करते हैं तो हालत खराब कर देते हैं। बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659 में सबसे पहला मौका होता है, ठीक है। देखी थी हमने बैटल ऑफ प्रतापगढ़, अफजल खान को किस तरह मारा था उन्होंने। और यहां से एक के बाद एक किले फतेह करने लगते हैं महाराज शिवाजी। उसके बाद बैटल ऑफ पवनखिंड होती है अगले ही साल, ठीक है। अब 1660 में जब ये बैटल होती है, बेसिकली क्या होता है कि जब इतने सारे किले जीत लिए होते हैं, तो एक पिनहाला फोर्ट में शिवाजी होते हैं और उनके जितने भी जो कमांडर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें वो पूरा किले को एक सीज करने की तैयारी होती है, घेराबंदी कर दी जाती है। आदिल शाही मुगल एक साथ मिल जाते हैं कि हम शिवाजी को छोड़ेंगे नहीं,
खत्म कर देंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे डिस्प्यूट्स कैसे हैं। तो आदिल शाही और मुगल जो बहुत एक दूसरे से वॉर में थे, बहुत एक दूसरे को आंख दिखाया करते थे, वो हाथ मिला देते हैं ताकि शिवाजी को खत्म किया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, देखी थी ना पिछली बार बाजी प्रभु देश पांडे की वो हीरोइक कहानी, पिछले लेक्चर में बताई थी ना मैंने, जब पवन खिंड पास में जो उन्होंने दोनों हाथ में तलवार लेके ऐसा खतलेआम मचा दिया था मुगल आर्मी का कि देखते बन रहा था, हर हर महादेव। ठीक है, तो ये चीज थी। तो अब क्या है कि जब शिवाजी आगे बढ़ते हैं और सक्सेसफुली उनको उनको सुरक्षित पहुंचाया जाता है विशालगढ़ फोर्ट में, वो अपनी कैंपेन्स को जारी रखते हैं, लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट आ जाता है, सत्ता चेंज हो जाती है, मुगल एम्परर औरंगजेब सत्ता को हथिया लेता है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से साल में औरंगजेब मुगलों का सुल्तान बना था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अब औरंगजेब सब सत्ता पे आता है तो वो अपने गवर्नर शैस्ता खान को बोलता है कि जाओ शिवाजी का काम तमाम कर दो। अब शैस्ता खान जो कि जिसका जो जीवन काल है 1600 से 1694 तक, काफी जिया था ये, 94 साल जिया था ये, 1600 से 1694 तक होता है, वो समय दक्कन का गवर्नर होता है और बहुत ही भरोसेमंद इंसान होता है। शैस्ता खान जो है एक के बाद एक के बाद एक जितनी चीजें महाराज शिवाजी ने जीती है वो वापस लेना उनसे शुरू करता है, किले फतेह करना शुरू करता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बैटल होती है, शैस्ता खान पुणे को पूरा सैक कर लेता। पुणे तो भैया यहीं पे तो जन्म हुआ था शिवाजी का, है कि नहीं, शिवनेरी हिल्स में यहीं पे इनका जन्म हुआ था, सेंटर था ये शिवाजी का, शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन का ये सेंटर था। इसको पूरी तरह से जब सैक किया जाता है तब महाराज शिवाजी को लगता है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन शैस्ता खान यहीं नहीं रुकता है, वो चकान कल्याण के भी फोर्ट को लेता चलता है, काफी एक तरह से दिक्कत पहुंचाता है और काफी ब्रूटली अटैक करता है शैस्ता खान। अब महाराज शिवाजी बोलते हैं बेटा तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब देखो मैं क्या करता हूं। फिर वो आपको पता ही है लेजेंडरी कहानी 1663 की, 1663 की, जब शैस्ता खान आराम से अपने किले में होता है, शादी हो रही होती है, शादी वेडिंग सेरेमनी होती है, महाराज शिवाजी अपने चुनिंदा लोगों के साथ उस किले में घुसते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, मार देते हैं सबको, शैस्ता खान की तीन उंगलियां काट देते हैं, शैस्ता खान के बेटे को मार देते हैं। औरंगजेब को जब ये पता चलता है बौखला जाता है, औरंगजेब बोलता है ये क्या कर दिया, हटाओ शैस्ता खान को, फिर उसके बाद वो बंगाल का गवर्नर बना देता है, बहुत गुस्सा होता है। तो ये कहानी होती है, लेकिन दोस्तों शिवाजी ये तो महाराज शिवाजी को भी पता होता है कि जो अटैक हो रहे हैं और जो हम कैंपेन चला रहे हैं ये बहुत खतरनाक है, अब ये फ्री फंड में चलती नहीं है। महाराज शिवाजी की अथॉरिटी नहीं थी, अगर अथॉरिटी होती तो उनको क्या दिक्कत थी, तो क्या था कि शिवाजी पूरी तरह, महाराज शिवाजी पूरी तरह से उनको ये अंदाजा था कि ऐसे चीजें नहीं चलेंगी, पैसे खत्म होते जा रहे थे, अटैक और ज्यादा ब्रूटल होते जा रहे थे मुगल की तरफ से, अब उनको कुछ ना कुछ सोचना था। तब उन्होंने ये सोचा कि अब बहुत हो गया है, मेरे पास कोई चारा नहीं है, सूरत को सैक करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे उन्होंने ऐसा नहीं कि सोचा और जाके अटैक कर दिया, पहले उन्होंने बुलाया वहां के जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने बुलाया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है कि तीन जो सबसे अमीर मर्चेंट्स थे, हाजी बेग, हाजी कासिम और बहरजी बोरा, इनको बुलाया। ठीक है, अब क्या है कि इनको बुलाया, लेकिन वहां का जो उस समय कमांडर था इनायतुल्ला खान, उसने पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया कि हम कोई भी मदद नहीं करेंगे आपकी, और उसके बाद फिर वो वहां से निकल गया। बाद में एक मैसेंजर भेजता है इनायतुल्ला खान, और वो मैसेंजर महाराज शिवाजी को मारने की कोशिश करता है। अब शिवाजी की जो आर्मी होती है इससे बौखला जाती है, बोलती है अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे कुछ भी हो जाए। तो बेसिकली पहले शिवाजी ने डिप्लोमेसी ट्राई की, बातचीत से रास्ता हल हो जाए, हम आपसे आराम से मांग रहे हैं आप दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया। महाराज शिवाजी के पास कोई भी चारा नहीं था, पैसे तो चाहिए थे, अगर पैसे नहीं मिलते तो फिर आगे कैंपेन कैसे बढ़ता। तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सूरत को अटैक करने का अब वक्त आ गया है। तो 5 जनवरी 1664 का दिन था जब उन्होंने सूरत को प्लंडर किया। दोस्तों इसमें दो बार हुई थी सैकिंग, याद रखिएगा, एक तो 1664 में हुई थी और एक 1670 में हुई थी। ठीक है, 1670 में भी सूरत जो था ना, वो देखिए गुजरात हमेशा से बहुत ही एक प्रॉस्परस स्टेट रहा है, उस समय भी गुजरात सबसे ज्यादा प्रॉस्परस स्टेट था, आपको पता है
क्यों? अरे भैया पोर्ट है ना वहां पे, वहीं से तो सीधा रास्ता खुल जाता है ना, आप आराम से एशियन कंट्रीज के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ व्यापार कर सकते हैं। पुर्तगीज, पुर्तगाली जो थे वहीं से तो आए थे ना, पुर्तगीज का पूरा पूरा सपोर्ट था यहां पे, क्योंकि मुगल और पुर्तगीज बिल्कुल साथ में हाथ मिला के काम करते थे। अंग्रेज भी मुगल के समय में ही आए थे, जहांगीर के समय में आए थे, बैटल ऑफ स्वेली की हमने बात की थी। तो ये जो गुजरात है ये हमेशा से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। बड़ा अमीर था सूरत उस समय, तो महाराज शिवाजी ने बोला कि हम सूरत को सैक करेंगे। और उसके बाद महाराज शिवाजी जाते हैं अपने कमांडर्स के साथ, यहां पे वो किसी भी फॉरेन मिशनरीज को अटैक नहीं करते हैं। एक फादर होते हैं, उनके घर को भी छोड़ दिया जाता है, वो बोलते हैं कि निहत्तों पे हाथ नहीं उठाया जाएगा। तो 3 दिन तक ये बैटल चलती है 1664 में, ये प्लेंडरिंग चलती है, हीरे जवाहरात सारी चीजें लूटे जाते हैं, पैसे लूटे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे इनको काम जो है ना बहुत जल्दी से करना होता है। देखिए महाराज शिवाजी ये काम बहुत जल्दी निपटाना चाहते हैं, उनको पता है कि अगर मुगल्स को पता चल गया, ब्रिटिश को पता चल गया, ब्रिटिश तो वैसे कुछ उनको पता भी चल जाता तब भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर कहीं इधर से अटैक हो गया तो उनके लिए संभालना मुश्किल हो जाता। बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि ब्रिटिश भी बगल में है, वहीं पे ब्रिटिश को भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इतना फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस जितनी चीजें मिले उसको लेके हमको यहां से निकल जाना है। तो वो चाहते थे कि यहां पे मुगल को खबर पहुंचने से पहले जब तक औरंगजेब तक खबर पहुंचे ये, तब तक वो पूरी तरह से काम तमाम करके निकल जाए। और उन्होंने एग्जैक्टली यही किया, ऐसे ही हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो गुजरात था, ठीक है, उसको पूरा पुर्तगालियों का साथ था। अब पुर्तगीज तो खैर बैटल ऑफ दीव में तो आपको पता ही है क्या हुआ था, मैंने कवर किया, देख लीजिएगा जिन जिनको भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये चीज थी। अब दोस्तों जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है, औरंगजेब का बहुत मूड खराब होता है। औरंगजेब और शिवाजी, औरंगजेब ने तो खुद माना है कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं शिवाजी से जाके भिड़ गया। महाराज शिवाजी औरंगजेब की राइवलरी सबको पता है, कभी भी वो इनको पकड़ ही नहीं पाया, औरंगजेब की बेइज्जती करके आ गए थे इनके कोर्ट में, जन्मदिन पे पीठ दिखा के आ गए थे, जब मुगलों की आंख से आंख कोई नहीं मिलाता था। ऐसे थे हमारे महाराज शिवाजी। मैंने उनकी बायोग्राफी को रिव्यू किया है, Part 1 Part 2 दोनों देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये चीज थी। अब क्या है कि काम हो गया, पैसा मिल गया, काम अच्छे से चलता है, लेकिन उसके बाद भी जो ये पूरा इंपैक्ट है और ये बैटल जारी रहती है, और दोबारा फिर महाराज शिवाजी सूरत को प्लंडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी बेगुनाह की जान उन्होंने नहीं ली थी, आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है, उन्होंने किसी भी बेगुनाह को नहीं मारा था, हथियार नहीं उठाए थे, ये सख्त निर्देश होते थे। अरे महाराज शिवाजी तो आर्मी जो हारती थी उनके साथ भी ऐसा व्यवहार करते थे जो बहुत ही अच्छा होता था, ह्यूमेन इंसान थे, ह्यूमैनिटी के बेसिस पे वो चीज़ों को देखते थे। जो भी आर्मी हारती थी उनका तो सख्त निर्देश थे कि अगर सामने वाला हारा भी है तब भी उनको वैसा ही ट्रीटमेंट दो जैसा युद्ध के बाद दिया जाना चाहिए। हर किसी को इज्जत बख्शनी चाहिए, औरतों बच्चों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तो शिवाजी तो ऐसे थे, अब उन पे ये इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत है। खैर आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। शिवाजी, महाराज शिवाजी और मुगल और आदिलशाही के बीच में ये तीसरा लेक्चर था, पहले बैटल ऑफ प्रतापगढ़, फिर पवन खिंड, और अब ये। इसके बाद भी हम एक लेक्चर और लेंगे फाइनल, और इसके बाद इसको रैप अप करेंगे और फिर हम ब्रिटिश पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम धीमे धीमे बैटल ऑफ प्लेसी की तरफ फाइनली बढ़ रहे हैं, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत तक न्यूत्री, साइनिंग ऑफ एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।